शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के जन्मदिन पर नेरुल में कार्यक्रम। उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर ने बंटवाया हेल्थ कार्ड और यात्रा पास। शिवसेना उपनेता और महाराष्ट्र पर्यावरण प्राधिकरण के नव नियुक्त चेयरमैन विजय नाहटा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेरुल सेक्टर 10 में लोकोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिवसेना उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करते हुए उन्हें हेल्थ कार्ड और एसटी बस का यात्रा पास भी वितरित किया गया। यहाँ कई छात्रों एवं कोरोना योद्धाओं को भी विजय नाहटा के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को जन्मदिन की सच्ची शुभकामना बताते हुए उपनेता विजय नाहटा ने दिलीप घोड़ेकर के जनसेवी कार्यों की सराहना की और नागरिकों से मनपा चुनाव में उन्हें समर्थन देने का भी आह्वान किया। यहां महाविकास आघाड़ी के नेता अनिल कौशिक, संतोष शेट्टी एवं अशोक गावड़े भी मौजूद थे। आप सबको पता है कि इतने साल में पूरी महापालिका और पूरा नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट है एक आदमी के या एक घराने के चंगुल में फंसा है, और पूरा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, करप्शन हो रहा, वो एक ही घरानेशाही से हो रहा है। उसको हटाने की बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं आई हुई है, और तीनों पार्टियाँ इकट्ठा हुई है, अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं, और उसको हटाना, ये करप्शन बंद करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इलेक्शन माध्यम है। सबको बताया था कि आज एकदम सिंपल तरीके से बर्थडे करना है। कल हमने भाषण नहीं रखे, कोई पुष्पगुच्छ नहीं रखा, कोई शाल नहीं, लेकिन पूरे शहर में हमारे कार्यकर्ता ने इतने बड़े पैमाने पे बैनर लगाया है कि उससे मैं गदगद हूँ। कार्यकर्ता का जो प्यार है वो हमारा सबसे बड़ा भांडवल है, और वो मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। वहीं नवी मुंबई शिवसेना के उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर ने कहा कि हमने जनसेवी कार्यक्रमों के जरिए अपने लोकप्रिय नेता विजय नाहटा को जन्मदिन की सच्ची सौगात देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही अपने नेता के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हर विभाग के ज्येष्ठ नागरिक को हम सम्मानित किया, जितना ज्येष्ठ नागरिक आया सबको हम शाल पुष्पगुच्छ दिन का स्वागत किया, क्योंकि वो जो रिटायर होते रहते जब भी वो बुढ़ापन में जाते तभी उनको घर में भी ज़्यादा करके उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमारा प्रयास है जिस लोगों ने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, अपने देश के लिए किया है, वो लोगों का आभार मानना, उनका कृतज्ञता निर्माण करना हमारा काम है, और उनको भी ये बुढ़ापन में अच्छा से ये होना चाहिए करके उनको सम्मानित किया है। हमारे नाहटा साहब का हम लोग हर साल का बर्थडे मनाते हैं, इतना महीने से ये प्रोग्राम रुके हुए थे, ये प्रोग्राम करने का ये हम लोग शुभ मुहूर्त चुना। नाहटा साहब का भी निवड़ हो गया सभापति करके, आपको मालूम है, वो उसका एक और वार्ड बर्थडे का, ये दोनों एक मिलाप करके हम लोग ये प्रोग्राम किया और हमारे वार्ड के लोगों को भी सम्मानित करने को हमको संधि मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।